अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2019। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 21 दिसंबर 2019 के, हम बड़ी अपडेट देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट 2019 जाने परीक्षा की अगली तारीख। जी हाँ दोस्तों, स्टूडियो में डिस्कस करेंगे आपका पेपर कब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की आसाम टेट 2019, आसाम एच टेट हाई स्कूल टीईटी परीक्षा स्थगित। जी हाँ दोस्तों, आसाम में भी आपका टेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई, जो कि दोस्तों 22 दिसंबर को होने वाली थी। तो दोस्तों दो पेपर जो 22 दिसंबर को था, दोनों को स्थगित किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 बवाल के चलते स्थगित हुई यूपी टेट परीक्षा, नई तारीख जल्द ही होगी घोषित। तो दोस्तों चलिए नई तारीख पर हम बात कर लेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को कॉल करके बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब हो सकता है, तो आपको बिल्कुल परेशानी होने। सबसे पहले दोस्तों आपका जो प्रेस रिलीज आया या प्रेस नोट आया, क्या आया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन दिनांक 22/12/2019 को होना निर्धारित था, अपरिहार्य कारणवश उक्त परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है, परीक्षा की अगली तिथि की सूचना यथाशीघ्र दी जाएगी। तो दोस्तों आपका रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव, 20 दिसंबर को दोस्तों ये डिसाइड हो गया था कि आपका पेपर अब नहीं होगा 22 को। उसके बाद दोस्तों देखिए बवाल के चलते ये सब की बात हो रही है, तो चलिए पहले हम आपको डिस्कस कर लेते हैं कि आपका अगला तारीख क्या होगा पेपर का। तो देखिए जो अभी आपका ANI की तरफ से अपडेट आई थी कि सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट द हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब TET के एग्जाम दोस्तों जो शेड्यूल्ड था 22 तारीख को, ठीक है 22 दिसंबर इन आसाम, विल बी नाउ हेल्ड इन 19 जनवरी 2020। तो दोस्तों अगर आपका आसाम का जो पेपर था 22 को होने वाला था, लेकिन अब वो 19 जनवरी 2020 को हो रहा है। तो दोस्तों इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि आपका पेपर भी इसी के आसपास हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट की अगली तारीख हो सकती है 19 जनवरी 2020। इस समय की बड़ी अपडेट है, क्योंकि दोस्तों आसाम का टेट जो पेपर था, ये भी देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर 22 तारीख को ही आपका होने वाला था। अगर इसकी तारीख दोस्तों बदलकर 19 जनवरी हो सकती है, तो हो सकता है कि अगर आपका भी पेपर 19 के आसपास हो सकता है। लेकिन देखिए आप में थोड़ा अलग बात यहाँ पर क्या आ जाती है ना, कि आपके पेपर में दोस्तों बच्चों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, लगभग 16.5 लाख बच्चे हैं, 16,45,000। चलिए दोस्तों पहले पूरी अपडेट देख लेते हैं, आज के पेपर में क्या आई थी उसको देखते हैं, हो सकता है आपने अभी तक ना देखा हो। प्रदेश में तनाव के चलते सरकार ने लिया निर्णय, इंटरनेट बंद होने से नए डाउनलोड हुए प्रवेश पत्र। जी हाँ दोस्तों, हुआ क्या था पूरा मैटर कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदेश से के कुछ जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए 22 दिसंबर को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 स्थगित कर दी गई, नई तारीख हालात सामान्य होने के बाद घोषित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़े से हालात सही नहीं है यूपी में। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि प्रदर्शन के मद्देनजर कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद होने के कारण अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके हैं, ऐसे में परीक्षा स्थगित कर दी गई। दोस्तों ये अपडेट हमने आपको सबसे पहले YouTube पर दी थी, क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले बताया था अगर इंटरनेट नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन लखनऊ में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, उसी दिन दोस्तों हमने आपको ये अपडेट दे दी थी कि आपका पेपर हो सकता है टल सकता है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के दोस्तों आपका पेपर नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। और देखिए 22 दिसंबर को दो पालियों में परीक्षा होनी थी, प्राथमिक स्तर के लिए आपके 10 लाख बच्चे लगभग थे और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 205,73,000, और टोटल दोस्तों बच्चों की संख्या 16,56,338, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हर एक पेपर में आज के दिन यही अपडेट आई, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 स्थगित। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी थी। और देखिए एक और अपडेट थी कि पुलिस भर्ती की शारीरिक मानक परीक्षा भी स्थगित हुई। देखिए एक तो आज इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और हम खुद भी दोस्तों इस वीडियो को थोड़ी दूर जाकर बना रहे थे, हो सकता है आपके बैकग्राउंड में काफी बाइक की आवाज आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों जो इंटरनेट है ना वो हमारे यहाँ भी बंद हुआ, तो हमने सोचा था कि कैसे ना कैसे आपको अपडेट किया जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर भी वही सेम अपडेट आई है आपकी कि परीक्षा स्थगित की गई, इंटरनेट सेवा बहाल होते ही परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी। मतलब दोस्तों जब तक हर जगह इंटरनेट नहीं चलेगा आपका, तब तक आपका पेपर नहीं हो सकता, इस बात को आपको समझना है। तो वेट करिए इंटरनेट चालू होने का। और दोस्तों एक और अपडेट, यूपी टेट स्थगित, नई तारीख जल्द। तो दोस्तों रविवार को प्रस्तावित यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट स्थगित कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि परीक्षा की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। टीईटी के लिए प्रदेश के 1986 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी, जिसके लिए 16,45,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया करवाया था।
तो दोस्तों हर एक पेपर में आज के दिन यही अपडेट आया कि आपकी पारी मतलब पेपर कैंसिल हुआ। लेकिन दोस्तों अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया कि आपका पेपर कब हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम आसाम टेट को मद्देनजर देखें, अगर उनकी बात सही है तो आपका पेपर भी 19 जनवरी के आसपास हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आपका पेपर भी 19 को ही होगा। देखिए और दूसरे पेपर में क्या अपडेट आया इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आज आप हर एक न्यूज़पेपर की अपडेट देख पाएंगे। इंटरनेट पर नहीं डाउनलोड हो सका यूपी टेट का प्रवेश पत्र। जी हाँ दोस्तों, मेन रीजन यही था यार, जब आपका इंटरनेट ही नहीं चल रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदेश भर में फैले विरोध के बीच प्रदेश के 21 जिलों में इंटरनेट सेवाएं ठप होने से। देखिए दोस्तों 21 जिला दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, 21 सिटीज में इंटरनेट सेवा ठप होने से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, यूपी टेट के अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने की समस्या से परेशान परीक्षार्थियों ने परीक्षा सचिव नियामक प्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की। जी हाँ दोस्तों, वो क्या रहा था ना कि इलाहाबाद में भी आपका इंटरनेट सेवा ठप की गई थी। तो दोस्तों परीक्षा सचिव नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 12 दिसंबर को यूपी टेट के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे, परीक्षार्थियों की लापरवाही से प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हुआ है। इस बीच शासन की ओर से परीक्षा स्थगित किए जाने पर परीक्षार्थियों ने राहत की सांस ली है। देखिए दोस्तों ऐसी बात नहीं कि सभी परीक्षार्थी राहत की सांस लिए, काफी बच्चे चाहते थे कि पेपर आपका हो जाए तो बेटर रहेगा, नहीं होता तो दोस्तों बच्चों का ही नुकसान होगा। इसमें क्या होगा कि जो तैयारी थी ना, जो आपका एक लय बन चुका था कि चलो ठीक है पेपर होने वाला है, तो दोस्तों वो लय आपका टूट जाएगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी थी वो थोड़ी सी अच्छी दोस्तों नहीं हो पाएगी। अब दोबारा जो पेपर होगा उसमें थोड़ी सी आपकी तैयारियों में कमी दिख सकता है। लेकिन दोस्तों उनके लिए फायदा हुआ जो बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं थे पेपर के लिए, और तो उनके लिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक अच्छा खासा फायदा हुआ है। दोबारा पेपर होगा आपका तो उनको फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के दोस्तों आज की वीडियो की अपडेट यही रही कि आपका पेपर दोस्तों स्थगित कर दिया गया है, और आपका दोस्तों जो पेपर होगा अब वो 19 जनवरी के आसपास हो सकता है। लेकिन दोस्तों कहा यह जा रहा है जब तक आपके हालात सामान्य नहीं होते, मतलब दोस्तों जब तक आपकी इंटरनेट सेवा, जी हाँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने दो तीन चीज देखी। पहली दोस्तों ये अपडेट आई कि जब तक आपका इंटरनेट हर जगह दोस्तों हर जिले में सही से नहीं चालू होगा तब तक आपका पेपर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है यार, इंटरनेट तो बहुत ही बड़ी चीज होती है। देखिए कल से इंटरनेट बनता है, हमारा भी यूट्यूब चैनल ठप पड़ गया, इंटरनेट नहीं मिला हमें भी, क्योंकि हम दोस्तों इस समय बनारस आए हुए थे जिससे लगा था यार सब कुछ सही रहेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी बंद हो गया। फिलहाल दिल्ली में भी दोस्तों बंद था इंटरनेट, तो इसीलिए रीजन से आपकी दोस्तों अपडेट्स नहीं आ पा रही थी वीडियो पर। काफ़ी बच्चों के सवाल आए हमारे पास व्हाट्सएप, आज ऑन किया हमने देखा हजारों हजारों मैसेजेस। तो दोस्तों चलिए ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि हमारा थोड़ा जो मैसेज आया थोड़ा लेट से आया दोस्तों, इसका रीजन हमारे पास भी इंटरनेट नहीं मिल पाया। तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले अपडेट कर पाते हैं, थोड़ा सा लेट हुआ है। तो दोस्तों चलिए ठीक है, और जो अपडेट्स आएंगी प्रॉपर सबसे पहले हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल से आपको मिलती रहेंगी। खाली इस बार दोस्तों क्या हुआ ना कि थोड़ा सा जो इंटरनेट वाला मामला है, तब भी दोस्तों हमने कोशिश किया किसी तरह हम आपको अपडेट देने की कोशिश करें। अब सभी बच्चों से हम कॉल तो कर नहीं सकते थे, लेकिन जितने बच्चों ने कॉल किया वो अपडेट पा सके थे हमसे, कि कॉल करके पता कर लिया बच्चों ने कि हाँ भाई पेपर कब हो रहा है कब हो रहा है। एक ही और आपको बता दें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपको अभी अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, हालात सामान्य होती है दोस्तों ये पेपर बहुत ही जल्द कराया जाएगा, क्योंकि ये जो आपका पेपर है ये बहुत हाई प्रोफाइल पेपर है, क्योंकि इसमें देरी दोस्तों फिर आपको ही दिक्कत होगा। और जो भी अपडेट्स आएंगे प्रॉपर हम आपको अपडेट करते रहेंगे समय समय पर। और दोस्तों अगर आप लोग मैथ की तैयारी करें तो दोस्तों हमने मैथ की पूरी सीरीज बना रखी है। आप देखिए आपके पास प्रॉपर टाइम है, 6.5 घंटे की वीडियो सीरीज है, तो दोस्तों आप चाहेंगे तो आप 6.5 घंटे आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप उस मैथ की वीडियो को देखिए, हिंदी की दोस्तों हमने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, बाल विकास की प्रॉपर वीडियो बना रखी है, संस्कृत की प्रॉपर वीडियो बना रखी है, ईवीएस की प्रॉपर वीडियो बना रखी है, पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों अगर हमने सभी वीडियोस आपके लिए बना रखी तो आप उसको देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और दोस्तों जो आपका जो नेक्स्ट डेट आएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल अभी तक अगर आपको लगता है कि कब हो सकता है, तो दोस्तों आप अपने मन में तसल्ली के लिए सोच सकते हैं कि आपका पेपर 19 जनवरी को हो सकता है। और बाकी दोस्तों जो अपडेट्स आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि आपकी ऑफिशियल जो डेट आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप 19 जनवरी को एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पेपर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका आसाम टेट कैंसिल हुआ है उसका पेपर 19 जनवरी 2020 को हो रहा है, तो मतलब दोस्तों इसके आसपास आपका पेपर देखने को मिल सकता है, या हो सकता है पहले हो जाए या हो सकता है बाद में हो। और जो भी दोस्तों प्रॉपर अपडेट्स होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब दोस्तों फिलहाल हमारे यहाँ इंटरनेट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब नेट बनारस नहीं चला तो दोस्तों बनारस से ही हट चुके हैं, अब बनारस से बाहर निकल चुके हैं कि भाई जान नहीं चलेगा वहाँ हमारा यूट्यूब चैनल होगा। तो दोस्तों आपको प्रॉपर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, अब दोस्तों इंटरनेट वाली कोई दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली। और जो भी दोस्तों सबसे पहले अपडेट आएगी पीएनपी की तरफ से दोस्तों कि आपका पेपर कब होगा कैसे होगा,
तो वो हम आपको अपडेट करेंगे दोस्तों। देखिए क्या, और आपको बता दें, अब आपको आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसे दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड दोबारा से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि दोस्तों उसमें डेट आपको बदल के मिलेगी, तो थोड़ा सा दोस्तों आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़े से पैसे आपको और खर्च करने पड़ेंगे, और जो भी प्रॉपर अपडेट्स आएगी दोस्तों वो हमारे यूट्यूब चैनल से आपको सबसे पहले मिलेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहिए। और इस वीडियो को दोस्तों जो हमने बताया कि आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करके बता सकते हैं कि आपकी अभी तारीख स्थगित है इंटरनेट सेवा शुरू होने के बाद, और जो माहौल है इस समय यूपी का बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद आपका पेपर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी बहुत ही जरूरी होती है। यार गर्ल्स सेफ्टी तो और जरूरी है दोस्तों, आप देख रहे होंगे हम खुद ही बाहर से इस वीडियो को बना रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि बच्चों तक अपडेट सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को भी दोस्तों हम थोड़ा सा हाईवे पर बना रहे हैं ताकि आप तक वीडियोज की अपडेट पहुंचती रहे, और आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ी गाड़ियों की आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, और वीडियो ऐसे भी काफी बड़ी हो रही है, और चलिए ठीक है, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, अच्छा रहेगा, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।